आ जा जा, ये अब चाहे अभी मारे बंदे जी सर, आज ऑल पार्टी मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई थी, इलेक्शन कमीशन की टीम आई है, खुद जो है वो सीईसी पहुँचे हैं, किस तरह के सुझाव जो है आपने दिए हैं, क्योंकि चुनाव अभी अपने भी किए हैं, क्या कुछ आपसे इस्लाम चोरा हुआ? देखिए, सबसे पहले सीपीआईएम की तरफ से जो हमारे सचिव है डॉक्टर ओंकार शाह, उनकी तरफ से हमने 3 पॉइंट इलेक्शन कमीशन को दिए थे और बैठक में हम सब ने अपनी बात को वहां पर रखा है। पहली बात हम ये कहना चाहते हैं कि हमने अनेकों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बैठकें अटेंड की है। जिस पेशेंट तरीके से आज हमारी बात सुनी गई है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि चुनाव कराना और चुनाव फेयर और फ्री हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है लोकतांत्रिक प्रणाली में और डेमोक्रेसी के लिए। हमने 3 बातों में जो पहली बात कही है वो कहा है कि चुनाव का समय क्या होना चाहिए, क्योंकि मतदान जितना ज्यादा होगा उतना हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी, लोकतांत्रिक प्रणाली मजबूत होगी। और इसलिए हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति इस प्रकार की है, यहाँ की कृषि इस प्रकार की है कि जो अभी धान की फसल की कटाई जो होती है वो नवंबर 15 तक जाती है, इसलिए सबकी भागीदारी चुनाव में सुनिश्चित करने के लिए डेट 20 तक जानी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। हमने अपनी बात को नोट किया। हमने ये भी जिक्र किया कि यह संभव है कि इस वर्ष पहाड़ों में बर्फ ऑलरेडी पड़ गई है, विंटर्स थोड़ा जल्दी शुरू हो सकता है, हमने कहा उसको भी मद्देनजर रखते हुए आप उसको थोड़ा पहले करा सकते हैं, वो ऐसा सुझाव हमने कहा है। लेकिन हमने जनजातीय इलाकों में है ना, जनजातीय इलाकों में जो 3 जनजातीय क्षेत्र है, लेकिन एक बात ये कहते हुए हमने कहा है कि गुजरात और यहाँ के चुनाव को इंसाइड करने चाहिए, एक समय के अंदर होने चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत से चुनाव का रिजल्ट और वो जो खबरें आती है कि जी ये हो गया वो हो गया, उससे प्रभाव ये पड़ता है। दूसरी बात हमने कहा कि जो यहाँ पर देखने को पहले मिला है कि ये जो बहुत से होर्डिंग्स बड़े बड़े लगाए हैं मोदी साहब के, देखो आप हर कोने में लगे हैं, जयराम जी के, मुख्यमंत्री साहब के लगे हैं, बहुत से अलग अलग विभागों के लगे हैं, ये होर्डिंग उतरते नहीं है जब इलेक्शन कोड आ जाता है। हमने कहा आप प्लीज इसको नोट कीजिए, और ये जो जितने ये बड़े बड़े चेयरमैन वाइस चेयरमैन बोर्डों के कमिश्नरों के बनाए हैं, मेहरबानी करके इनसे गाड़ियां आप ले लें और वो इलेक्शन कमीशन ले और फिर विभागों को दे, ऐसा हमने कहा है, क्योंकि ये भी चुनावों को प्रभावित करते हैं। और फिर आखिरी बात कही है हमने कि भाई इसको रेगुलेट करो, ये जो फॉल्स न्यूज आती है, फेक न्यूज आती है, और ये पेड जो प्रिंट और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, इससे ये बहुत से जो हमारी जैसी पार्टी जो जिसके पास लोगों से धन इकट्ठा किया जाता है, हमारे लिए तो चुनाव फिर एक किस्म से बेकार हो जाते हैं, है ना, ये कमर्शलाइजेशन जो बहुत सी होगी है। और इन सब विषयों पर उन्होंने बहुत ध्यान से सुना है, नोट किया है, और हम समझते हैं निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन का जो रोल है हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली में उसको ये बेखूबी के साथ निभाएंगे। थैंक यू।